नमस्कार, पंजाब बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ में हूं दिव्या। रूबरू होते हैं खबरों से। कांग्रेस प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि बीजेपी ने असम में राहुल गांधी को रोका गया है। राहुल गांधी को वहां के सीएम ने भी कहा कि आप वहां ना जाएं, क्योंकि सुरक्षा को लेकर के सवाल है, और वहां के विधायक और साथ ही सांसद को कहीं जाने नहीं दिया गया, क्योंकि बीजेपी चाहती नहीं थी कि वे अंदर जा सके। शरेआम दंडातंत्र ते होगी है। कल राहुल गांधी जी नूं मंदिर जान तो रोकया गया असाम दे विच, इस चीज दे बावजूद कि उन्हां कोले इनवाइट सीगा। ते ए कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि वो तो एक दिन पहला जिहड़े हिमंता बिस्वा शर्मा जी ने असाम दे मुख्यमंत्री, उन्हां ने ये चीज कहती सी राहुल जी नूं भी तुसी उत्थे ना जाओ। ते वो तो बाद तुसी देखो इन्हां ने एक्सक्यूज की बनाया, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन दा वेरवा दित्ता। जे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हैगी है तो कल राहुल गांधी जी लिए तो है नहीं, वो सारे लिए होगी। उस चीज के बावजूद राहुल गांधी जी रोकया गया स्पेसिफिकली। वहीं चंडीगढ़ में इलेक्शन को लेकर के मामला पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट तक पहुंचा हुआ है। इस मामले में चंडीगढ़ प्रशासन को जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया था। इलेक्शन में देरी क्यों हो रही है और अगला दिन चुनाव के लिए कब दिया जाएगा, चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से इस मामले में जवाब दाखिल किया गया। बता दें कि वहीं दूसरे पक्ष में चंडीगढ़ में चुनाव को जल्द से जल्द करवाने की अपील की गई है। साथ ही पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में मेयर चुनाव के लिए चंडीगढ़ प्रशासन को 6 फरवरी से पहले का दिन तय करने के लिए कहा गया है। इस सैटरडे नूं लग्या सी ते अज दूजी डेट दे नाल लगाया सी, सानू रिप्लाई दा टाइम दिता सी, क्योंकि सैटरडे संडे ते मंडे छुट्टी होने दे करके अज सवेरे असीं मेंशन करके अपना रिप्लाई लगाने दी गल कीती सी, जिस च यूटी म्युनिसिपल कारपोरेशन और चंडीगढ़ पुलिस ने तीनों ने रिप्लाई देना सी। कोर्ट ने ऑब्जरवेशन जिहड़ी सानू कहा सीगा कि इहनूं डेट नूं 26 तों पहलां कीता जांदा है, असीं बिल्कुल क्लीयरली कहा कि 26 तों पहलां पॉसिबल नहीं है। 22 तरीक का जिहड़ा मामला सीगा ओह अज निकलिया, और साडे कोल कई इनपुट्स हैं जिहड़े रिप्लाई दे विच यूटी दे विच सारी आई हुई हैं गल्लां। ओह रिप्लाई तुसीं देख के कोर्ट नूं असीं कहा कि ओह देख के समझा जा सकदा है कि 26 तक वैसे ही पॉसिबल नहीं है। 27-28 नूं वैसे ही पुलिस फोर्सिस दा अवेलेबल नहीं होंदी, रिट्रीट दी वी होंदी और छुट्टी दा वी होंदा आफ्टर 26। बेस्ट डेट जरा सी पोस्ट 20। कोर्ट ने कहा कि कल सवेरे मैटर सुनिया जाएगा या इंस्ट्रक्शंस लेके आन यूटी कि भाई इलेक्शन जड़ा है वो छेती तो छेती कदों कराया जा सकता है, ते या मैटर मेरिट्स ते सुन के इन्हों कल फैसला करने की कोशिश की। जवाब फाइल उन्होंने कह रहे थे इंस्ट्रक्शन लेके आने के, कोई फाइल करने की बार बार गल भी कर रहे थे। जवाब उन्होंने फाइल किया और कोर्ट ने ऑन रिकॉर्ड ले लिया जवाब उन्होंने, ताकि कल मैटर बहस हो सके। थोड़े वालों भी एक कह रहे थे तुम एक डायरेक्ट पुलिस ऑन रिकॉर्ड कुछ डॉक्यूमेंट चले। बेसिकली असी ये क्या है कि इलेक्शन दे विच क्योंकि डिले हो रही है जिहदे नाल कि बहुत इररेगुलैरिटीज होने का चांस है, तो इलेक्शन 24 घंटियां दे विच विच कराया जाए। तो कोर्ट ने भी ये क्या है कि इलेक्शन जिनी छेती तो छेती हो जाए उन्ना बैटर है, तो यूटी ने टाइम लिया है इंस्ट्रक्शन लैन के लिए, तो कल वो आके कोर्ट को दसनगे भी इलेक्शन छेती तो छेती कदों कराया जा। लास्ट सवाल, क्योंकि कोर्ट ने साफ किया कि डेट लेके आनी है कल। हाँ, अगर डेट लेके नहीं आएंगे तो कोर्ट मेरिट से सुन के केस का फैसला कर। वहीं पंजाब प्रदेश पर्यवेक्षक दविंदर यादव के पूरे देश भर में जहां श्री राम लला प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, तो वहीं श्री मुक्तसर साहिब में भी आज लवर पटाखे वालों की ओर से मुक्तसर की घास मंडी में श्री राम लला प्राण प्रतिष्ठा को समर्पित भरत मिलाप और राम तिलक का आयोजन किया गया, जिसमें शहर भर के लोगों ने मौजूद रहे और पूर्व विधायकों की ओर से भी इस कार्यक्रम में शिरकत की गई, और साथ ही श्री राम जी के भजनों का गुणगान भी किया गया। जिहड़ा राम मंदिर की मूर्ति स्थापना लई खुशी का त्यौहार मनाया जा रहा है, मैं उहदे ते सारे देशवासियों नूं वधाई देनी चाहुंदा है। और इह भी उम्मीद रखदा है कि असी सारे धर्मां नूं सांझे तौर ते मना के अज इत्थे वेखण नूं मिलिया है कि हरेक धर्म दे लोक। मैं इस समें बहुत इतिहासिक दिन है, अज दा जिहड़ा 22 जनवरी दा दिन है वो एक दिशा बदल देगा, सनातन वाले पासे देश चल पिया और दोबारा सतयुग की जिहड़ी है वो शुरुआत हो गई है। और जिते कहांगे मैं कहना भी सारे धर्मां की गल है, जिवें मेरे तो पहला मानयोग MLA साहब ने दस्या है, और एक मुक्तसर इहो जिहा शहर है वाहे जिथे सारिया पार्टियां सारे एक जगह के उत्ते सारे त्यौहार मनाते हैं, और मैं सारे का धन्यवाद करता इस गल दे विच। परंपरा चलती रहनी चाहिए है, और सब ना वड्डी वधाई अज अशोक चौक जी नूं है
जिन्होंने एडा वड्डा उपराला चक्या और एक इतिहासिक कार्यक्रम जो अयोध्या च कार्यक्रम होया तो उस बाद मुक्तसर च इतिहासिक कार्यक्रम किया गया और एडी वधिया आतिशबाजी राज तिलक चलिए सीधे लिए चलते हैं आपको चंडीगढ़ जहां पर शिरोमणि अकाली दल की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। ये दिखाते हैं आपको शिरोमणि अकाली दल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अनएक्सेप्टेबल सी, उन्हें माफ नहीं किया जा सकता सी। जे कोई वाकई ईमानदार हुंदा ते उते पर्चा दर्ज होके उते कार्रवाई हो जानी सी। जिस वीडियो ने गवर्नर साहब नहीं कहता कि फोरेंसिक कहती है सही है और उन्होंने पंजाब नूं भेजती, मगर पंजाब ने उन्हें इस तरीके नाल ठंडे बस्ते च पाया, वो विक्टम नूं इस तरीके नाल एक सिट बना के हैंडल किया कि वह कंप्लेनेंट ही भज गया, उते इस तरीके का प्रैशर पाया कि वह आपकी अखीर च आपकी कंप्लेंट नूं विड्रॉ करना पिया। अज भी हालात उही बने पे आ। मैनू तो इस गल की तसली है कि इन्हां भाई साहब का विआह हो गया अपने दा, मेरे वड्डे वीर दा, हिम्मत सिंह शेरगिल साहब दा, बड़ा औखा होया। मैनूं लगदा शायद 45-50 साल की उम्र है, मैनूं तां सीगा मैनूं सद्दणगे, मैनूं नहीं सद्दिया, मगर इको गए आ बाहर विआह ते। आ एक दा सरबाला साहब की फोटो तुसीं वेख ही ली होनी, अज मैं ट्वीट भी कीती है। अच्छा, अपना संधवा जी सरबाला बने आ हिम्मत सिंह शेरगिल साहब दे, उन्हां लई वेखो किड्डी इंपोर्टेंट क्लीयरेंस देनी। हुण मेरे समझ आई कि इत्थों पंजाब पुलिस की क्लीयरेंस देनी क्यों जरूरी सी। ये ना पहुंचता प्यो का पुत ते उन्हें विआह नहीं अगे करवाउणा सी, मगर इहदे वास्ते तुसीं मिसलीड करो इंटरनेशनल। जिन्हों संधोआ वह बंदा है जिन्हों पहला भी वापस भेजता सी कनेडियंस ने और कनेडियन सरकार ने, क्योंकि इत्थे एडे गंभीर आरोप सन, मगर जेडे आपदे आप नूं रखवाले कहिंदे आ इंसानियत दे, उन्हां दी हरकतां अज मैं कल्लियां दस रहा कि आ भाई साहब उत्थे भंगड़ा पा रहे हैं, क्योंकि इहदे इह ना भंगड़ा पाउंदा ते शायद इहदा विआह सिरे नहीं चढ़ना। आ इक फोटो आ लो, आ इत्थे भंगड़ा पा रहे आ। इह भंगड़ा पाउण दे लई पहुंचे किवें? आ स्पीकर साहब खलोते, स्पीकर साहब नाल भंगड़ा पा रहे हैं। आ अगली फोटो का फड़ी जाई यार, एक होर भी है ते उसे विआह ते कैबिनेट दे मिनिस्टर आ हरजोत बैंस पहुंचे, हरजोत बैंस नाल भी आ फोटो। आ ये सारिया फोटोआं च मैं भी हैरान हो गया कि जिस जिस सुप्रीम कोर्ट दीआं जजमेंट्स ने कंप्लेनेंट भावे आपकी कंप्लेंट विड्रॉ कर जे, मगर सोडमी बदफैली बच्चे नाल बदफैली दे जुर्म ते ए पुलिस विड्रॉ नहीं कर सकती केस जो मर्जी हो जे, मगर ए बंदा एडा जरूरी आम आदमी पार्टी लिए, इन्हां तो बगैर इन्हां दी पार्टी नहीं चलती कटारू चक ते इह जिहां दे बगैर, कि उन्हूं स्पैशल क्लीयरेंस दवाउणी पई कि उह उत्थे पहुंच जे विआह ते, नहीं तां उहने विआह नहीं करवाउणा सीगा। कहिंदे उहदी भी जिद सी कि जद तक मेरा वीर ना आवे। सरकार दे हालात वेख लो, एक स्पीकर, दो कैबिनेट दे मिनिस्टर ते होम मिनिस्टर कौन? ओह कटारू चकदा यार, भगवंत मान जिन्हें कटारू चक नूं क्लीन चिट दित्ती उन्हें आप दे SSP नूं कहे के इनू भी क्लीन चिट दवा दी। मगर जिथे गुरमीत राम रहीम दे मसले च सेंक्शन नहीं देनी, दो दो साल उस केस च थोड़ी सिट दा फैसला, तुसी रिपोर्ट जनतक कर रहे हो, उस रिपोर्ट च जो लिखिया है उहदे ते तुसी ध्यान नहीं देना चाह रहे, की मजबूरी है? मगर प्रोफेसर दविंदरपाल भुल्लर या राजवाने दा केस आ जाए उत्थे बड़े तत्पर हो जाने। और कल्ली ये नहीं, आ मैं क्योंकि अज गल्लां कई रल गईआं ने, मैं मिनिस्टर दी कारगुजारी दी गल कर रहा। माइनिंग बड़ा वड्डा मुद्दा। आ कुछ दिन पहला चलो ये फोटो तो जनतक हो ही गईआं कि किवें आ माइनिंग मिनिस्टर तीजा बदलता, पहला हरजोत बैंस सी उन्हूं हटाया कि ये माइनिंग माफिया ना रल गया, फिर दूजे नूं हटाता अपने नूं
गुरमीत हेर नू क्योंकि ये तो देखो इंडाइटमेंट है बाय द चीफ मिनिस्टर कि ये नहीं काम ठीक कर रहे चीफ मिनिस्टर ने तदे हटाता हूं तीजा रलिया ये व्याह भी उन्होंने जावे जिन्हों के माइनिंग के परचे ते गुलदस्ते भी उन्होंने तो ही लवे जिन्हों के माइनिंग के परचे आ गुरमीत सिंह है जी ये ते चार एफ आई आर ने इतने मैं थोनू दे ही देना एफ आई आर नंबर 00323013323 नूरपुर बेदी थाना दूजी एफ आई आर नंबर 47 नूरपुर बेदी 15423 तीजी एफ आई आर 01102822 और चौथी एफ आई आर रूपनगर अगे नूरपुर बेदी 01313922 जिच चार माइनिंग दे परचे हो उतो ही गुलदस्ता लेना और कोई थानू गुलदस्ता लैन मिलता नहीं और यही कारण है कि कोर्ट हाई ऑनरेबल हाई कोर्ट नू अखीर च एदे च कोर्ट कमिश्नर लाना पिया दैट दे हैव नो फेथ। देखो इलीगल माइनिंग होंदी है बंदा पहला कंप्लेंट करता है और एदे च एक पासे तां कंप्लेनेंट भी माइनिंग महकमा है माइनिंग महकमा कंप्लेंट कर रहा है ते मंत्री माइनिंग दा जाके उन्हां दे प्रोग्रामां च शामिल हो रहा उन्हां तों गुलदस्ते रह रहे की मोरैलिटी रह गई की एथिक्स रह गए किवें इंसाफ होना है किवें इलीगल माइनिंग रुकनी और यही कारण बनिया कि लोकी अखीर च इंस्टेड ऑफ कंप्लेनिंग टू द पुलिस दे हैव लॉस्ट फेथ इन द पुलिस दे हैव लॉस्ट फेथ इन द गवर्नमेंट अखीर च हाई कोर्ट नू अप्रोच कर रहे हैं कि तुसी कुछ कर लो नहीं तो कुछ नहीं होना। बीएसएफ ने इस मुद्दे च इंडो पाक बॉर्डर से इलीगल माइनिंग किवें वड्डा चैलेंज फेस कर रहा मेरा यह कहने का भाव है कि नॉट वन मिनिस्टर कट्टर इमानदारा दे कट्टर बेईमान काम वेखो फ्रॉम प्रोफेसर दविंदर पाल भुल्लर केस टू सौदा साध टू माइनिंग इशूज टू सोडमी इशूज टू कटारू चक इशू और जेडी हले एक वीडियो आनी है एक मंत्री की ओदे इशू तक हटती नहीं यार फिर कहते बदलाव लिया कि यह बदलाव लिया क्योंकि यह जिया डेढ़ साल के अंदर अंदर यह जे झंडे तक इन लगता कि सरकार च इन्ने मंत्रियों के नहीं झूलते जिन्हें तुम झूलन लाते और हूं तो डर रखता है थोनू भी मैं बेनती करा चलो सानू तो नहीं मिलते अं तो ना एवं मिल मुल जिले जिले जाया करो बड़े खतरनाक बंदे ने मतलब इट्स बैटर टू बी सेफ दैन टू बी सॉरी इन्हों का एडा डिग्या होया हालात बन गए है तुसी इंस्टेड ऑफ कनेडियन सॉयल ते जाके उस सरकार नू की मैसेज दे रहे हो तुसी कि थोड़े ह्यूमन राइट्स वायलेशंस जेड़े लोग करन जेड़े सोडमी अर्गे जुर्म करन उन्हां प्रति आम आदमी पार्टी दी की सोच है की मैसेजिंग ता वेखो इंटरनेशनल कंट्री ते की दे रहे। सो आई डिमांड एक इनक्वायरी की है किने क्लीयरेंस सर्टिफिकेट दिता और नाल दी नाल प्रोफेसर दविंदर पाल भुल्लर दे मामले च जिहड़ी रिजेक्शन दे उन्हां दे कारण बने ओ सारा कुछ जनतक कर दिओ हुण इहदे तां बड़े तुसीं गल कहिंदे हो कि असीं बेअदबी दे खिलाफ है बेअदबी दे खिलाफ तुसीं किन्ने हो तां तुहाडा जग जाहिर है जो तुसीं सुल्तानपुर लोधी कीता एक वीडियो नहीं अनेक ही वीडियो आ गईआं ने मैजिस्ट्रेट कह रहा फायरिंग हो ही नहीं ते मैं थोनू किनिया वीडियो जनतक करके विखाती कि फायरिंग भी हुई अखंड पाठ साहब खंडित भी होए गोली भी चली गोली वजी भी जुते पाके और एक डीएसपी वो लम्मा जा मुंडा दा मैं ना भुलदा पगवाड़े लग्या जसप्रीत या मैं की दसिया सी ए चार बारी गए उथे पहला 5 बजे फिर 7 बजे फिर 11 बजे और अखीर च 4 बजे धावा जब 5 बजे बोलिया शराब पीती गई उस डीएसपी के घर बह के कई अफसर ने फिर शराब पी के गुरु घर गए है ये जो हालात बना के वैसे शराब पी के चले जाना जब मुख्यमंत्री शराब पी के जहाज तो लाया जा सकता जब मुख्यमंत्री शराब पी के तख्त साहब जा सकता जब मुख्यमंत्री शराब पी के गुरु ग्रंथ साहब की हाजिरी च जा सकता वॉट एल्स डू यू एक्सपैक्ट फ्रॉम दैम। सो मेरा अज थोड़े सामने ये सारे फैक्ट्स लियाउण दा ता सी बिकॉज एवरीवेयर टुडे जिहड़ा कानून नू ब्रेक कीता जा रहा है
इज स्टार्टिंग फ्रॉम द मिनिस्टर डाउन टू द मिनिस्टर्स। और जब ये हालात बन गए तो फिर विमेन एंड चाइल्ड सेफ्टी सिक्योरिटी लॉ एंड ऑर्डर इन्हों जो हालात बन रहे थोड़े सामने कोई बेहतर नहीं होने। इसलिए मैं अजे कुछ फोटोज कुछ ट्वीट्स जड़िया मैं कीतिया सी कई बारी तुसी भी वह छापण तो पहला घबराने हो कि कोई बोले फिर छापांगे। हाँ और हले तो दिन मगरों चढ़ता इन्ना कुछ मेरे को मेरा फोन ही जाम होया फिर कि मैं तेन विखाऊ की अज पता नहीं आ नवी आ गई। मैं तो हैरान हाँ जे सच्ची गल है ना धन है एदा परिवार का जी जेड़ा एदे नाल मतलब इन्हां दे यार एडे दबके मार दिए बीबी वेरीफाई कर लियो क्योंकि हले मैं वेरीफाई करन तो पहला थोड़े अगे लिया क्योंकि मेनू किसे ने जो भेजा वो कह रहे हैं ये आम आदमी पार्टी दे जेड़े मोगा दे विधायकां ने उन्हां दी ये ऑडियो दसी जा रही है तुसी भी वेरीफाई कर लियो। इस किस्म दे दबके बंदे उन्हूं घरों चक लेना की कर लेना की नहीं कर लेना। इसलिए ये जो हालात बनाए पे है वेन MLAs एंड मिनिस्टर्स इफ दिस इज ट्रू ये मैं भी वेरीफाई कर रहा इसलिए मैं हले उन्हां दा परसनल हले नहीं कह रहा बिकॉज ये मेरे को पिछे ने भेजी तो बड़े मेरे खास सूत्र ने मगर हले मैं सूत्र से भी विश्वास उदों करदा पहला मैं रीचैक करदा उन्होंने मेरी रीचैकिंग हले चलती है। मैं तुहानू अज शाम तक नहीं तां सवेरे तक कर ही दूंगा तुसीं भी मेरे तो पहला कर ही लैनी है मगर MLA इस किस्म की शब्दावली बात रहे यार लोगों के नुमाइंदे हो तुसीं थोड़ा तो काम है जी हजूरी करना तुसीं तां बने बैठे हो मतलब पुलिस नूं भी फेल करता पुलिस स्टेट तां सुनदे सां मैं लगता सद्दाम हुसैन गद्दाफी नूं शर्म आउंदी होणी कि साडे तां प्यो जम पए अज तां कुछ भी नहीं इन्हां दे सामने हालात वेखो की बनाए पए। चलो थोड़े कुछ सवाल जी मैं लगता तुसीं भी थोड़े कन्फ्यूज हो गए जी इन्ने मुद्दे हाँ जी हाँ जी पहला फाइल पई की दे कोल है भगवंत मान को होम मिनिस्टर को और ये रिपोर्ट जब जारी हुई है उदो होम सैकटरी कौन सन अज दे चीफ सैकटरी साहब होम सैकटरी दे चीफ सैकटरी उदो भी इनवॉल्व सन जेडे हुण दे होम सैकटरी ने की नो अपना सार साहब दा गुरकीरत कृपाल सिंह ये आला अफसर भी इनवॉल्व सी। चलो इन अफसर की मैं इन्नी गल नहीं करता खीर च होम मिनिस्टर का कला वोटा बीइंग द क्राइटीरिया तुसीं रज के सियासत करदे उन्हां मुद्दियां ते मगर वैन इट कम्स टू टेकिंग एक्शन थोड़ी जो कार्रवाई है कारगुजारी है तो फुलका साहब ने भी नंगी की दिल्ली केस चलते सन तुसीं वकील ही नहीं भेजते यह जे कमजोर वकील भेजते हो कि वह केस जो वह चाहते हैं सौदे साध आले बंदे उस तरह फैसले आई जाते क्योंकि अगे कोई पक्ष ही नहीं रखना। सो दिस इज द एटीट्यूड मदद की जा रही है उन्होंने ये स्पष्ट ही है। बद फैली आली जी जेडी देखो मतलब किने या होने ये तो हम सेंट्रल कुछ होर इंडिपेंडेंट इनकुआरी होना ने तो आप आप क्लीन चिट पहला ही दे देनी वो तदे तो भंगड़े पाई जाते उ जे कि विरोधी ने इनकुआरी करनी होंगी तो उंगड़े नहीं पैने से उ पिसू पैने ही उ पै गए भंगड़े
डांस कर रहे कि आ तेनू क्लीन चिट दवा दी। पंजाब बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।